तो क्या हाल है मेरे भाइयों, आज का जो टॉपिक है वो है प्रिंट ऑन डिमांड, कि हम लोग कैसे पैसे कमाते हैं प्रिंट ऑन डिमांड से, आप लोग कैसे पैसे कमा सकते हो प्रिंट ऑन डिमांड से। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा तो यार देखो, प्रिंट ऑन डिमांड को मैं आपको मोटा मोटा बेसिक समझाऊँ ना। जैसे आपको लगता है कि यार आपने ना 10 डिज़ाइन निकाल ली कि यार ये 10 डिज़ाइन बहुत चलेगी, चाहे वो भगवान की फ़ोटो हो, चाहे वो कपल टी शर्ट्स हो, चाहे वो कोट्स हो, चाहे वो कॉलेज टी शर्ट्स हो, आपको लगता है यार ये टी शर्ट्स बहुत चलेंगी, तो इसकी 10 डिज़ाइन आपने निकाल ली या बना ली या किसी से आउटसोर्स कर ली, और उसको आपने क्या किया, आपने उसको टी शर्ट में प्रिंट कर दिया, चाहे वो A4 साइज़ कर दिया, एक कोट कर दिया, पीछे कर दिया, जैसे भी कर दिया, वो आपकी मर्ज़ी है, तो और उसको सेल आउट करो, तो दैट इज़ बेसिकली प्रिंट ऑन डिमांड टी शर्ट्स। तो टी शर्ट्स बनती है इसकी, हुडीज़ आप बहुत देखते होंगे, कप्स आप बहुत देखते होंगे, जैकेट्स आप बहुत देखते होंगे, और आजकल बॉम्बर जैकेट्स आ गए हैं। जैसे इस सीज़न हमने, पिछले सीज़न सॉरी, हमने बॉम्बर जैकेट्स काफ़ी सेल किए थे, इसमें ज़्यादातर ये कॉलेजेस में ज़्यादा चलता है, यूथ में ज़्यादा फेमस है, और आजकल तो अगर आप देखोगे ना तो उस पर भी बहुत चल रहा है। जैसे होली टी शर्ट्स हो गए, जब मैंने आपको बीच में मेरा अपना इंस्टाग्राम में पोस्ट दिखाया हुआ होली टी शर्ट्स का, दिवाली टी शर्ट्स का, कोई भी फेस्टिवल थीम टी शर्ट्स आती है, रक्षाबंधन अभी किया तो रक्षाबंधन टी शर्ट्स का, तो ये भी प्रिंट ऑन डिमांड बहुत चलता है। तो इसमें अच्छा खासा स्कोप है और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो अगर आप तरीके से और डिसिप्लिन में चले। तो प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका कि आपने क्या करा है, ड्रॉप शिपिंग करा ली। आपने बोला कि जिशान भाई यार मेरे को ना ऐसे ऐसे मैं टी शर्ट से डिज़ाइन बनाऊंगा, और जैसी ऑर्डर आएगी आप उसको प्रिंट करा के आप उसको शिप कर देना। तो मैं क्या करूँगा, चल ठीक है यार तू मुझे ऑर्डर दे मैं शिप कर दूँगा। तो ये तो आपका हो गया बेसिक ड्रॉप शिपिंग। सेकंड पॉइंट जो है वो आपने होलसेल में खरीद लिया। आपने वो क्या बोला कि मुझसे ले लो या कोई अच्छे मैन्युफैक्चरर से ले लो या आपके आस पड़ोस में जो सस्ता पड़े ना आपको अब उससे ले लो। आपने क्या करा, उसको बोल दिया कि यार मेरे लिए ना 30 टी शर्ट बना के रख ले, मुझे मालूम है इस साइज़ में और इस कलर में काफ़ी सेल हो रहे हैं, क्योंकि ओवर अ पीरियड आपने ड्रॉप शिपिंग से करते 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 आपको एक्सपीरियंस हुआ और आपने इसको सेल आउट कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका कि आपने क्या करा, बोला मैं भाई अब मैं काफ़ी समझ चुका हूँ एंड आई विल डू द मैन्युफैक्चरिंग। इसमें आपने प्रिंटर अपना लिया है, मशीन्स अपनी लिया है, स्टिचिंग अपनी लिया है, लेबर अपनी लिया है, पर सब कुछ करा, दबा के वॉल्यूम में करा, और आपने क्या करा बहुत सारे ड्रॉप शिपर्स और होलसेलर्स को दिया। तो ये 3 तरीके बिजनेस करने के। ड्रॉप शिपिंग की सबसे अच्छी बात तो यही है कि यार तुम्हारी जेब से पैसे लगने ही नहीं है। ठीक है, आपको बस ऐड रन करना है या व्हाट्सएप के थ्रू प्रमोट करना है या अपने फ्रेंड्स और उसके थ्रू प्रमोट करना है। आपको ऑर्डर आया, आपने हमें या कोई भी मैन्युफैक्चरर या होलसेलर को दिया ऑर्डर और उससे उसने शिप कर दिया, आपको आपका कमीशन मिल गया। ये तो आसान है, पर इसमें लिमिटेशन ये है कि आपके रेट आपके कंट्रोल में नहीं होता। अब अगर कोई मुझे 5 पीस का ऑर्डर देगा तो ऑब्वियसली उसके रेट ज़्यादा रखूँगा। अगर यही आपके पास 100 टी शर्ट हो, अगर आप मुझे 100 टी शर्ट का ऑर्डर दोगे तो डेफिनेटली रेट काफ़ी कम होगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। पर मैं आपको यही बोलता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप करो, ये आप 3 तरीके में समझो, आप इसको समझो कि ये स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट में आ जाते हैं होलसेल। अब होलसेल का ये सबसे अच्छा क्या होता है कि आपका क्या होता है, होलसेल का अच्छी बात ये है कि आपको सस्ते रेट में मिल जाएगा, लेकिन एक डिसएडवांटेज है कि अब आपको, आपने क्या करा, एक्सेल के 50 ले लिए, लार्ज के 50 ले लिए, डबल एक्सेल के 50 ले लिए, आपको प्रॉब्लम क्या हुई कि यार खाली लार्ज के निकल गए, लार्ज के सेल आउट हो गए, एक्सेल के वैसे रह गए, और वो ट्रेंड बदल गया या वो टी शर्ट अब पुरानी हो गई, तो सीज़न भी निकल गया, इसका ट्रेंड निकल गया, तो वो आपका नुकसान हो गया। फिर आपको उसको सेकेंड्स के मार्केट में देनी पड़ेगी या सस्ती मार्केट में बेचनी पड़ेगी, तो वो आपके लिए लॉस है। तो वो तभी करो जब वंस यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ आई कैन सेल आउट, जैसे मैं 150-200 टी शर्ट निकाल सकता हूँ और उसका मैं ऑर्डर दे सकता हूँ, मुझे मालूम है कौन कौन से साइज़ में क्या क्या निकलता है, व्हाट इज़ द डिमांड एंड व्हाट इज़ द सप्लाई, और उसमें आप सेल आउट कर रहे हो। और जो तीसरा तरीका ना मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या होता है, इसमें आपका बेस्ट ये होता है कि आपको 10 टी शर्ट का ऑर्डर है, आपने हाथों हाथ बनाया, हाथों हाथ प्रिंट किया, दे दिया, लेकिन दैट कम्स विद द कॉस्टिंग कि आपको एक प्रिंटर रखना पड़ेगा। प्रिंटर मेरे हिसाब से जो एप्सन का भी होता है वो 15,000 का होता है, और उसकी इंक सब कुछ अलग होती है, उसका नॉर्मल प्रिंटर की तरह नहीं होता, और जो उसकी फ्यूजिंग की मशीन होती है जिस पर आप रख के उसको हीट करते हो तो उसका खर्चा भी आता है, बिजली का खर्चा आता है, सारे खर्चा आता है। ये ट्राई करोगे कि आप मुझे बड़े बड़े ऑर्डर मिले ताकि मेरे पैसे बच मतलब हो पाए, तो अल्टीमेटली आप रिटेल कस्टमर से बिजनेस टू B2B में घुस जाओगे, जैसे हम लोग करते हैं। हम लोग अब रिटेल कस्टमर के लिए स्पेशली जो हमारे पास स्टॉक बच जाता है उसको हम सेल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये 2-3 तरीके हैं जो जिससे आपको लगता है कि पैसे बना सकते हैं। तो इसको प्रोज एंड कॉन्स ले लो या इसको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ले लो। मेरे हिसाब से अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे ना, तो स्टेप 1 ऐसे करो ड्रॉप शिपिंग, स्टेप 2 होलसेल में करो, स्टेप 3 मैन्युफैक्चरिंग में आ जाओ। ठीक है, अब मैं कैसा पैसे बनाता हूँ,
मैं ड्रॉप शिपिंग में प्रिंट ऑन डिमांड में कैसे बनाता हूँ, अगली वीडियो में पूरा बताऊँगा कि यार मैं कैसे वैसे बनाता हूँ, मैं भी यही करता हूँ। मतलब ये फैक्ट है कि मतलब अगर मैं अपनी वेबसाइट आपको यहाँ पर दिख रही होगी, इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें ये कपल टी शर्ट्स हैं, इसमें भगवान की टी शर्ट्स हैं, इसमें बहुत सारी टी शर्ट दिख रही होगी, और ये मेरी लाइव वेबसाइट है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज माई एक्चुअल वेबसाइट। ये वेबसाइट पर क्लिक करो, अभी भी चल रही होगी। आप मेरे इंस्टा पेज पर जाओ, उसमें इसके एड्स रन हो रहे होंगे और ये थ्रू आउट होते रहता है। तो इसमें मैं कैसे पैसा बनाता ना, वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो आज का वीडियो बस इसी पर ही है। इसमें कमेंट करके बताओ, अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हो तो हमको मैसेज करो कि भाई मेरी वेबसाइट ये है, इसकी मेरी वेबसाइट देखो और आपको क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत है, और मैं कौन कौन से प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ। जितने लोग कमेंट करेंगे ना, उतना वी कैन डिस्कस। और सिर्फ ऐसा नहीं कि एक कमेंट कर दे तो मुझे देखना है, कोई भी अगर आसपास के प्रिंट ऑन डिमांड वाले लोग होंगे तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो इसलिए कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, कमेंट करो इस पर और ताकि और हमें आइडिया मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, और अगले वीडियो का वेट करते रहना, उसमें हम कैसे वैसा हमारे वो दिखाएंगे।